हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग गाइस? हाय एवरीवन, सिचुएशन जो भी हो अपने फैमिली का। हाय एवरीवन, हाय। हाय राहुल, हाय निशा, शाहिद, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है गाइस? चलिए जी, तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चलिए, नमस्कार जी। नमस्कार देव। सो हाय एवरीवन, आई एम रमा शर्मा, योर एजुकेटर फॉर इंडियन मेडिवल हिस्ट्री ऑन स्टडी IAS। सो आज हम देखिए, कल हमने स्टार्ट किया था मुगल एम्पायर, तो आज हम मुगल एम्पायर को आगे पढ़ेंगे। कल हमने बाबर कंप्लीट किया था, ठीक है, और बाबर के साथ कौन था उनके साथ, उनकी जर्नी में उनका बेटा हुमायूं था। आज हम हुमायूं की लाइफ जर्नी देखने वाले हैं, क्या क्या मेडिवल हिस्ट्री में उनका योगदान रहा है, कितने बैटल्स रहे हैं, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर की पूरी एक अलग से क्लास लेंगे, जिसमें कि पूरे मुगल एम्पायर का, ठीक है, मुगल एम्पायर का कहां से कहां तक, बाबर से लेके औरंगजेब तक, बाबर टू औरंगजेब, कंप्लीट आर्ट एंड आर्किटेक्चर एक ही क्लास में देखेंगे। तो वो पार्ट को अभी हम नहीं करेंगे ज्यादा। हम कौन सा पार्ट करेंगे भाई? हम पार्ट करेंगे अपना उसके अलावा जितना भी है, बैटल्स क्या है, लाइफ जर्नी क्या है, किसके साथ युद्ध हुए, कब हारे, कब जीते, कब राजा बने, कितने साल राज किया, किस तरीके से मृत्यु हुई, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या बुक्स हैं, ये सारी चीजें हैं। हाय हिमांशु, हाय भैरवा, राम राम जी, राम राम। तो गाइज, जितने भी लोग आप लोग लाइव हो, सेशन को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये सेशन एक्सक्लूसिवली आपके लिए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है कि 28 फेब 2021 यानी कि कमिंग संडे को 11 बजे से क्या है, कॉम्बैट है, इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर UPSC CSE एग्जाम, जहां पर आप 1 CR का एक स्कॉलरशिप पूल है, जिसमें से आप अपने काबिलियत के दम पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं, उसमें से कोई भी प्राइज हासिल कर सकते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप स्टडी IAS का रेफरल कोड यूज करेंगे। सो यहां पर क्या है, क्वेश्चंस हैं जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर, बेस्ट एजुकेटर बनाते हैं आप लोगों के लिए UPSC के पैटर्न पर। देखो, अभी तक आप लोगों ने लाइक वाइक नहीं किया यार, ये गलत बात है, ठीक है, ये गलत बात है। हाय शीतल, हाय ललिता पाठक जी, अच्छा जी, गुड इवनिंग। सो सुपर फास्ट एंड फर्म विद रियल टाइम रैंकिंग है आपके लिए, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी रैंकिंग क्या है, कौन कौन आपके साथ में लाइव टेस्ट दे रहे हैं। आप कंपीट कर सकते हैं बेस्ट आपके फेलो एस्पिरेंट्स के साथ में, टेस्ट के बाद में उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन और उसके एनालिसिस आपको थ्रू द टॉप एजुकेटर्स आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलेंगे, इन डेप्थ सॉल्यूशन मिलेंगे आपके लिए। इंगेजिंग टेस्ट है, चैलेंजिंग और इंगेजिंग। आप अपनी रैंकिंग देख सकते हैं, ठीक है, आप बहुत सारी चीजें इसमें एनालाइज कर सकते हैं, स्कोर आप अपना देख सकते हैं कि आपका मतलब टोटल जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें आपका स्कोर क्या है, ठीक है। तो लास्ट 30 डेज में आपने कितने कॉम्बैट दिए हैं, ठीक है, हाईएस्ट रेटिंग क्या है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, स्कोर देख सकते हैं, लीडर बोर्ड पर रेटिंग देख सकते हैं, अवार्ड्स देख सकते हैं, किसको क्या मिला,
ठीक है, तो रैंक वन टू रैंक थ्री, ये जो वन सीआर का, 1 करोड़ का आपका इनसे आपका लाइक स्कॉलरशिप पूल है, इसमें से रैंक वन टू रैंक थ्री को क्या है, अनएकेडमी का कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा फॉर द टेन्योर ऑफ योर चॉइस, आपकी चॉइस का। तो आप इसके लिए मेहनत करो, ठीक है, जी तोड़ मेहनत करो। रैंक 4 to 10 आपको 75% ऑफ मिलेगा सब्सक्रिप्शन प्राइजेस पे, चॉइस आपकी रहेगी। रैंक 11 to 50 50% ऑफ मिलेगा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन पे, और चॉइस आपकी रहेगी। रैंक 51 to 500, पहले जो प्राइजेस मिलते थे वो 150 रैंक तक मिलते थे, लेकिन अनअकैडमी ने अभी इसको बढ़ाकर 500 तक कर दिया है, क्योंकि जितने भी आपके टेस्ट देने वाले बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा है, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स में होते हैं। 25% ऑफ होता है अनअकैडमी पर उनके पसंद के टेन्योर के सब्सक्रिप्शन के लिए। अब आप कौन सा टेन्योर चूज कर सकते हो, आप 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का यूपीएससी जीएस प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है आप चूज कर सकते हैं, अगर आप इस कैटेगरी में कहीं फॉल होते हैं तो। 45 मिनट का ये टेस्ट होता है, जहां पर कि आपको 60 क्वेश्चंस मिलते हैं, 12 कॉम्बैट होते हैं, 6 सेक्शंस होते हैं, आप अपनी रिलेटिव स्कोरिंग देख सकते हैं 6 के 6 सेक्शंस में। और अब ये कॉम्बैट हर संडे होगा, ठीक है, अब तक ये 15 दिन बाद होता था, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, एनरोल करना है। एनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिला हुआ होगा, लिंक पर जाना है, स्टडी आईएएस का रेफरल कोड डालना है और एनरोल कर देना है, ठीक है। तो जब टेस्ट शुरू होगा उससे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आती है तो क्या करना है आपको, इस नंबर पर, ठीक है, ये स्टडी आईएएस का ऑफिशियल नंबर है, इस पर आपको कॉल या व्हाट्सएप करके आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लेंगे आप, रिलेटेड टू अनअकैडमी एंड यूपीएससी। चलिए शुरू करते हैं, मुगल एरा कर रहे हैं हम, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाय निधि, ये कंप्लीट हो चुका है, द मुगल्स आज हम करने वाले हैं। तो जो हमने स्टार्ट किया था, देखो यहां से बाबर की कहानी शुरू हुई, बाबर के बाद हुमायूं, आज इनको हम डिस्कस करेंगे। हुमायूं के बाद कौन है भाई, अकबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, और अकबर का बेटा क्या है, शाहजहां, ठीक है, सलीम, शहजादे सलीम, उनके साथ में ये अनारकली है यहां पर। उसके बाद में है जहांगीर और इनके बाद में है औरंगजेब, ठीक है। आज हम इस इंसान की चर्चा करेंगे, ये सब मैं आपको करा चुके हूं, किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, कल के कुछ आपको पूछना हो, कुछ डिस्कस करना हो कल के टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब कल के टॉपिक में बस मुझे आपको एक चीज बतानी थी कि बाबर, बाबर के नाम पर, ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी हुआ, बैटल ऑफ खानवा हुआ, बाबर का और मेदिनी रॉय के बीच में, चंदेरी में हुआ था, मालवा के किंग थे मेदिनी रॉय, ये सारी चीजें जब हुई तो जौहर वाली बात मैंने आपको बता दी थी, ठीक है, जौहर वाली बात हो गई थी। अब होता क्या है, बाबर का एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये सिल्क रूट वगैरह सब कुछ हो गया था कल, तो यहीं पे नोट कर लो, ठीक है, यहां पे नोट करेंगे कि बाबर के लिए, ठीक है, 1527-28 में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी बाबर की याद में, ठीक है, बाबरी मस्जिद बनाई गई थी बाबर की याद में, और ये वही मस्जिद है जिसकी रूलिंग अभी लास्ट ईयर आई है, ठीक है। बाबरी मॉस्क वॉज बिल्ट इन अयोध्या रामनगरी, किसने बनाई थी ये, बाई मीर बाकी, जिसका कुछ नहीं रहा बाकी बाबर के बाद, उसका नाम था मीर बाकी, और इस मीर बाकी ने ये बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब ये मीर बाकी कौन था ये आप जान लीजिए, और इस चीज को बस नोट करके एक कॉलम, एक बॉक्स के अंदर इसको छोड़ देंगे और बाद में याद करते रहेंगे। द मीर बाकी इज द गे पार्टनर ऑफ बाबर, हिस्टोरियंस का मानना है ही वॉज द गे पार्टनर ऑफ बाबर एंड ही बिल्ट द बाबरी मस्जिद इन अयोध्या इन 1527 and 28, क्योंकि आपको पता है क्या हुआ उसके बाद,
ठीक है, बाबर की डेथ हो गई थी, पहले आगरा में दफनाया था और फिर कहां पर दफनाया था, काबुल में ले जाकर दफनाया था। ठीक है, तो ये चीज एक कल मिस हो गई थी जो मैंने आपको आज करा दी है। अब बात करते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की। तो हुमायूं के बारे में आपको पता होगा, और बाबर की डेथ कब हुई थी, 1530 में, तो उनके जन्म, उनकी मृत्यु से पहले ही उनकी मस्जिद का निर्माण हो गया था। ठीक है, उनकी मृत्यु से पहले ही बाबरी मस्जिद बन गई थी। तुझके बाबरी, बाबरनामा, ये सब मैंने आपको कल बता ही दिया था। अब हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं का जन्म हुआ था 26 दिसंबर, तारीख आज भी 26 है। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 में हुमायूं का जन्म हुआ था। ठीक है, सॉरी, ये इनका पहला शासनकाल है, क्योंकि 1530 में बाबर मरा था और बाबर के मरने के बाद पहली बार गद्दी पे बैठे थे हुमायूं 26 दिसंबर 1530 को। जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कैसी हुई थी, वो भी हम देखेंगे। ये इंसान बहुत ही ज्यादा मतलब लाइक मिसफॉर्चुनेट रहे हैं शासन के मामले में। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, जीते भी हैं, कुछ हारे भी हैं, अपने भाइयों के साथ भी लड़े हैं, लेकिन ज्यादा टाइम इनको शासन करने का मिला नहीं है। फर्स्ट रैंक इनका 1530 से लेकर 1540 के बीच में रहता है, पहली बार जो साम्राज्य आता है, बीच में शेरशाह शुरू या सूरी आ जाते हैं 1530 में। ठीक है, और उसके बाद सूरी डायनेस्टी की वो स्थापना करते हैं, फिर ये चले जाते हैं, भाग जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं भाई, अमरकोट में रहने लग जाते हैं। उसके बाद दोबारा जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1555 में, फिर दोबारा ये हुमायूं गद्दी पर बैठते हैं, दोबारा आते हैं, और दोबारा आते आने के बाद सिर्फ 7-8 महीने, ठीक है, 8-9 महीने तक ही ये गद्दी पर बैठ पाते हैं। 22 फरवरी 1555 में आते हैं और 27 जनवरी 1556 यानी कि करीब करीब 11 महीने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 11 महीने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, तो 10 साल ये और 11 महीने ये, कुल मिला के 12 साल भी इन्होंने पूरे नहीं करे थे। इनके बेटे का नाम है अकबर। या ही स्ट्रगल्ड अलॉट, अभागा राजा लाइक, मतलब आप मान सकते हो। सो इनका जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को, और जब ये 22 साल के थे तब इनके पिताजी की यानी कि बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो हिस्टोरियंस का कहना यह है कि हुमायूं उस टाइम पर इतने ज्यादा इतने ज्यादा मैच्योर नहीं थे कि बाबर का फैलाया हुआ इतना बड़ा शासन जो है उसको संभाल पाते। जबकि बाबर के लिए ये लड़ते थे, बाबर की सेना का ये, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल जब अफगान लोग यहां सेटल हो गए थे आगरा में, तो बाबर ने इन्हीं को ही भेजा था। ठीक है, तो 1508 में काबुल में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु हुई, 47 साल की उम्र में मर गए। ठीक है, तो 22 साल की उम्र में पहली बार बैठे थे गद्दी पर, 47 साल की उम्र में मर गए, मतलब कि 25 साल में इन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा। दो बार ये गद्दी पर बैठे, करीब करीब 11 साल के लिए, बाकी 13 साल इनका स्ट्रगल में निकल गया। हुमायूं का टॉम दिल्ली में है, हुमायूं मकबरा, बाग वेवा बेगम, वाइफ्स इनकी काफी सारी थी, जैसे कि हामिदा बानो बेगम। हामिदा बानो बेगम कौन है, ये अकबर की माँ है, अकबर की माँ है, अकबर्स मदर। अब ये इसको बोलते हैं इंग्लिश की इंग्लिश करना, अकबर के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा दी, बताओ मैंने। अकबर की माता जी हैं ये, और माह चुचक बेगम, कनिश, गुनवर बीवी, मेवाजन, चांद बीवी, शाद बीवी इनकी वाइफ्स के नाम है। इनके बच्चों के नाम कितने हैं भाई, ये सब इनके बच्चे हैं, इतनी वाइफ है तो ये सारे इनके बच्चे हैं। अकबर इनका दूसरे नंबर का बेटा था। ठीक है, तैमूरिड डायनेस्टी के हैं ये, तैमूर की डायनेस्टी के, ये आपको पता है। माता का नाम महम बेगम, सुन्नी इस्लाम थे, बाद में परिवर्तित हो गए थे शिया इस्लाम में। ठीक है, हुमायूं का मीनिंग लकी ही, बट वो अनलक्की नहीं थे। हुमायूं का मीनिंग लक्की है बट वो लक्की नहीं थे। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है, मेरे को तो पर्सनली मेरे को पसंद है हुमायूं नाम, बहुत कम सुनने के लिए मिलता है। सो अब इसके बारे में ये कुछ चीजें हैं। सेकंड एम्परर थे ये, और जहां जहां इन्होंने रूल किया वो जगह आज की डेट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्दर्न इंडिया और बांग्लादेश में है, जो कि इनके शुरू के 10 साल का रैन रहा था। शुरू के 10 साल के साम्राज्य में जो किया और लास्ट के एक साल के करीब करीब साम्राज्य में जो जहां पर राज किया, वो सारी जगह अब इन मेजर जगहों पर पड़ती हैं। ठीक है, अब होता क्या है, 26 दिसंबर 1530 को
बाबर जो है, हुमायूं जो है वो बाबर को सक्सीड करते हैं और दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं को मतलब इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था शासन संभालने का, उनको युद्ध करने का एक्सपीरियंस था क्योंकि बाबर उनको हमेशा युद्ध करने के लिए भेजते थे, लेकिन शासन व्यवस्था को कैसे संभाला जाता है इस चीज का उनको एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वो 22 साल की उम्र में ही क्या बन गए, शासक बन गए। इनके हाफ ब्रदर हैं कामरान मिर्जा, जो कि बाबर के बेटे थे, दूसरी वाइफ के बेटे थे। उन्होंने काबुल को, कंधार को लिया। मतलब अब मैं इस चीज को आपको ऐसे बताते हूँ, ये नोट्स तो आपके पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मेरे हिसाब से सुन लो क्या है, बाबर के 4 बेटे थे, ठीक है। अब ये स्टोरी मेरे हिसाब से चलेगी। बाबर के 4 बेटे थे, पहले थे हुमायूं, दूसरे थे कामरान मिर्जा। राइटिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीसरे थे अस्कारी, पूरा नाम देख लीजिएगा, पढ़ा हुआ है नोट्स में। और चौथे का नाम था हिंडाल। अब होता क्या है कि जब बाबर की मृत्यु होती है तो बाबर गद्दी पर बैठते हैं, और बाबर का सबसे बड़ा गलत डिसीजन क्या माना जाता है कि ये बहुत ही लाइक ना, मतलब ही वॉज अ वेरी गुड हार्टेड मैन, ठीक है, बहुत अच्छे दिल का इंसान। इसने सोचा कि यार पिताजी की इतनी सारी संपत्ति है, इतना बड़ा साम्राज्य है, हम भाई हैं, मेरे को गद्दी पे बैठने का मौका मिला है, हमने इतिहास से ये सीखा है कि भाई ने भाई को मारा है और गद्दी हासिल करी है, एक काम करते हैं कि चारों लोग बांट लेते हैं मिलके, कि तुम यहां शासन करना, तुम यहां करना, तुम यहां करना और मैं यहां करूंगा। हाय रजत, ग्रामर एरर है, मैंने तो खुद ही कह दिया था। तो हुमायूं ने बोला कि मैं दिल्ली एंड आगरा, ठीक है, ये तो मैं रख लूंगा। कामरान मिर्जा को मिला काबुल एंड कांधार अफगानिस्तान में, ठीक है। अस्कारी को मिला संभल, जो कि अभी यूपी का पार्ट है, और हिंडाल को मिला अलवर, जो कि मेवात, मेवाड़ का पार्ट था उस टाइम पे। तो ये चारों ने अपनी अपनी जगह जो है वो मुकर्रर कर ली। हुमायूं काबुल में जन्म हुआ था, ठीक है, क्योंकि बाबर उस टाइम पर काबुल से ही, अफगानिस्तान से ही आया था। अब हुमायूं के बहुत सारे दुश्मन भी थे, ठीक है। क्यों दुश्मन, क्यों कैसे बने? क्योंकि हुमायूं को, मैं भारत की गद्दी पे तो देखो ये बैठे थे, दिल्ली क्या है, हमारी राजधानी थी, तो इसलिए हम हुमायूं के बारे में पढ़ रहे हैं, ये कामरान मिर्जा अस्कारी हिंडाल के बारे में इतना नहीं पढ़ रहे। सो हुमायूं, जिसके नाम में ही ह्यूमन आता है, आप देखो HUMAN, हुमायूं के बहुत सारे दुश्मन थे, हैड सो मैनी, आप लिख लीजिएगा, हैड सो मैनी एनिमीज, बिकॉज रीजन क्या था, ही हैड नो टाइम टू कंसोलिडेट, नो टाइम टू कंसोलिडेट द पावर पोजिशन एंड अथॉरिटी। ठीक है, इनको ज्यादा टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि 10 साल का पूरा शासन का इनका टाइम रहा है, बाकी के लास्ट का 1 साल। अब होता क्या है, जब हुमायूं के इन एनिमीज की बात करती है, करते हैं हम, इन एनिमीज में आता कौन कौन है, फटाफट फटाफट सुन लो। इन एनिमीज में पहला था महमूद लोधी, दूसरे थे शेर खान, जिसको हम बाद में शेर शाह सूरी के नाम से जानेंगे, और तीसरे थे बहादुर शाह। बहादुर शाह, अब ये लोग कहां कहां के रूलर थे, महमूद लोधी बंगाल के रूलर थे, शेर खान बिहार के रूलर थे, इनकी भी पूरी हिस्ट्री आज पढ़ेंगे सूरी डायनेस्टी की, और उसके बाद गुजरात के रूलर थे कौन, बहादुर शाह। अब होता क्या है कि पहली बार हुमायूं का पहला युद्ध छिड़ जाता है, ये तीनों इनके एनिमी होते हैं, फर्स्ट युद्ध ऑफ हुमायूं, ठीक है, फर्स्ट बैटल, हुमायूं का पहला बैटल होता है बैटल ऑफ कालिंजर। किसने किया, किसके साथ हुआ, बताते हैं अभी। कालिंजर में इनका पहला, कालिंजर फोर्ट के लिए इनका पहला युद्ध होता है, कब, 1531 में, मतलब कि 1530 के दिसंबर में बैठे थे ये गद्दी पर, 1530 के दिसंबर में बैठे थे, 1531 में युद्ध का सामना करना पड़ गया।
कौन थे? हुमायूं वर्सेस, बात समझ में आ रही है? हुमायूं वर्सेस कौन थे भाई? राजा रुद्र प्रताप देव, रूलर रुद्र प्रताप देव। हुमायूं इस पहले बैटल में हार जाते हैं, ठीक है, फेल इन दिस बैटल, और रुद्र प्रताप देव जी जो हैं वो जीत जाते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला बैटल। पहले बैटल में हुमायूं की परास्त होती है, शिकस्त देखने के लिए मिलती है। उसके बाद ही सेम ईयर में इन 1531 AD, ठीक है, आप लोग चाहो तो नोट का कर सकते हो, साथ के साथ नोट कर सकते हो, 1531 AD में क्या होता है? बैटल ऑफ धौरीला, धौरिया होता है, बैटल ऑफ धौरिया, बैटल ऑफ धौरिया, दोहरिया बोलते हैं वैसे इसको, दोहरिया लिख लीजिएगा, बैटल ऑफ दोहरिया। ये किस किस के बीच में होता है? हुमायूं के जो एक तीन मैंने दुश्मन बताए थे, तो ये होता है हुमायूं वर्सेस महमूद लोधी, महमूद लोधी बंगाल के, बंगाल के शासक, बंगाल्स रूलर, ठीक है, रूलर में और एम्परर में बहुत अंतर है। एम्परर मतलब पूरे साम्राज्य का राजा, रूलर मतलब कि किसी एक क्षेत्र विशेष पर रूल करने वाला, ठीक है। तो बंगाल के रूलर और इसमें होता है युद्ध, युद्ध का परिणाम क्या निकलता है? ये सब युद्ध हो किसके लिए रहते? टू कॉन्कर द पोजीशन एंड अथॉरिटी ऑफ पावर, ठीक है। अब होता क्या है, इस युद्ध में हुमायूं जो है जीत जाते हैं, हुमायूं वॉन और महमूद लोधी को मार देते हैं, ये किल्ड, ठीक है, ये हारते नहीं है बल्कि ये मर भी जाते हैं। अब जब ये मर जाते हैं महमूद लोधी, तो क्या होता है कि आप अभी जब मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी पूरी किसकी, शेरशाह सूरी की, तब आपको समझ में आएगा। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था, और इस फरीद बच्चे को, इस फरीद बच्चे को महमूद लोधी ने पाला पोसा था। अब जब ये बंगाल का रूलर मर जाता है, तो अपना जो शेर खान है जिसका नाम बचपन में फरीद था, बड़े होके शेर खान हुआ, और शेर खान बाबर की सेना में था एक टाइम पर, ठीक है, क्योंकि ये जो महमूद लोधी है, बाबर ने पूरा जीत लिया था साम्राज्य, बाबर एम्परर था, तो ये सब लोग बाबर के अंडर काम करते थे। लेकिन जैसे ही हुमायूं गद्दी पे बैठा, तो सबकी मंशा जो है बदलने लगी, और सबने सोचा कि ये अभी 22 साल का लड़का है, इसको तो हम हरा देंगे। तो एक बार की बात है कि जब कैसे इसका नाम फरीद का नाम शेर खान पड़ता है, और कैसे शेरशाह पड़ता है, वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जो अपने ये शेर खान जी हैं, इन्होंने एक बार मुगल की सेना में खड़े हुए ही बोला था कि अगर मेरा बस चले तो मैं एक दिन में, मतलब एक दिन में नहीं, कि अगर मेरा बस चले तो मैं भारत से इन मुगलों का नामो निशान मिटा दूंगा, जबकि वो मुगल सेना का ही पार्ट थे, मजबूरी में थे, क्योंकि बाबर ने जीता हुआ था सब कुछ। तो इसीलिए जब हुमायूं जो है गद्दी पर बैठे, तो शेर खान पहले से ही एज में तो बड़े थे ही, ठीक है, प्रशस्त्र एकदम कुशल योद्धा थे, तो इसलिए वो इसके अपोज में आ गए, हुमायूं के अपोज में। और जिसने पाला पोसा था उस बच्चे फरीद को, महमूद लोधी ने, उसकी मृत्यु कर दी हुमायूं ने युद्ध में। तो शेर खान जो है, शेरशाह सूरी जो है, वो कट्टर अपोजिशन में आ गए किसके, हुमायूं के। और फिर ये जो शेर खान है, इन्होंने क्या किया, आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद लोधी, शेर खान उर्फ शेर शाह सूरी, उर्फ शेर शाह सूरी अंडरटुक द बंगाल, बंगाल पर इन्होंने राज्य करना शुरू कर दिया, एंड बिकेम द रूलर ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड लिविंग इन चुनारगढ़ फोर्ट। बिहार छोड़ के यहां आ गए चुनारगढ़ फोर्ट में, ठीक है। आज ये चुनारगढ़ फोर्ट कहां है, पहले का बंगाल, अब ये वेस्ट बंगाल नहीं है, पहले बिहार भी बंगाल के अंदर आता था, अगर आपको पता हो तो। बिहार सिर्फ एक जगह का नाम था, और बंगाल पूरी प्रोविंस का नाम था,
ठीक है, याद है ना, ब्रिटिशर्स ने आके इसको अलग अलग किया था, बंगाल प्रोविंस में ये रहने लगे। और चुनारगढ़ फोर्ट आज की डेट में कहां पर है? मिर्जापुर यूपी, आज का मिर्जापुर यूपी, ठीक है, यहां शेरशाह सूरी जी रहते थे। ये 1531 की बातें हैं सारी। अब क्या होता है तीसरा, इन 1532 1532 में, ठीक है, ये सारी चीजें एक साइड इधर हो गई, ये सारी 1531 के बाद की बातें हैं। 1532 एडी में, समझ में आ रहा है ना आप सभी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, सब परेशानी, समस्या हो तो बता देना। 1532 में हुमायूं अटैक्ड ऑन, हुमायूं ने हमला किया कहां पर भाई? चुनारगढ़ फोर्ट पर। राइटिंग समझ में आ रही है ना? चुनारगढ़ फोर्ट पर हमला किया। क्यों क्यों हमला किया था? क्योंकि बंगाल को युद्ध में किसने जीता था? हुमायूं ने। हुमायूं तो जीत जात के वापस आ गए, ये भाई साहब बंगाल में जाके बैठ गए। ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा, तुम लड़ाई करके जीत के आ रहे हो और तुम्हारी जगह पे कोई और आके बैठ गया, तो क्या हुआ? बिकॉज ऑफ दिस, या लर्निंग हिस्ट्री इज वेरी इजी, मेकिंग हिस्ट्री सो हार्ड, टू मच हार्ड। बिकॉज ऑफ दिस क्या हुआ? ये सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स है। इवेंट मतलब कि उस टाइम में क्या कहानी चल रही थी। अगर आप इसको कहानी की तरह पढ़ेंगे, इवन अपने घर में भाई बहनों को, बच्चों को कहानी की तरह सुनाएंगे, तो उनको भी हिस्ट्री पता चलेगी भारत की। आप ये देखो कि ये सारी चीजें 6th, 7th, 8th की क्लास के सिलेबस हैं। और आप कब सीख रहे हो? एक्चुअली में सीख कब रहे हो? 6, 7, 8 में तो हम सभी ने पढ़ी होंगी। सीख आप कब रहे हैं? जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और पूरा भारत तो यूपीएससी की तैयारी करता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आधे से ज्यादा लोगों को हिस्ट्री सही से पता ही नहीं होती। सो बिकॉज ऑफ दिस बहादुर शाह, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस सॉरी शेर खान स्टार्टेड सेंडिंग फोर्सेस टू आगरा। तुम हमारे यहां हमला करोगे तो हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। होता क्या है फिर 1533 में हुमायूं डिफीट कर देता है, ठीक है, पहले ये बैटल ऑफ दोहरिया हुआ था और फिर हुमायूं डिफीट कर देता है, ठीक है, एक बार तो बहादुर शाह, हाँ सुनिए, शेरखान नहीं, सॉरी, चुनारगढ़ फोर्ट पर हमला किया हुमायूं ने। कुछ इवेंट जो है स्लिप हो जाते हैं दिमाग में से पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो महमूद लोधी मर चुका है, एक दुश्मन मर गया है, तो चुनारगढ़ फोर्ट पे हमला हुआ, तो हमला किसके ऊपर हुआ? शेरशाह सूरी के ऊपर। 30, एक मर गया है, दूसरे के ऊपर हुमायूं ने हमला कर दिया, तीसरा कौन था? बहादुर शाह, ठीक है, महमूद लोधी मर चुके हैं, बहादुर शाह ने क्या किया कि ठीक है, अब आपने वो तो सुना ही होगा कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? अपना दोस्त होता है। तो शेर खान भी दुश्मन हुमायूं का और बहादुर शाह भी दुश्मन हुमायूं का। तो अगर तुम शेर खान के ऊपर हमला करने जाओगे तो हम क्या करेंगे? आगरा को खाली पाते हुए हम क्या करेंगे? आगरा पे चढ़ाई कर देंगे। तो बहादुर शाह ने स्टार्ट किया फोर्सेस को भेजना आगरा, ठीक है। अब ये यहाँ पर चुनारगढ़ फोर्ट पर इन्होंने अटैक किया था, इन्होंने देखा कि भैया अपनी तो यहाँ पे पीछे लग गए। अब क्या हुआ 1533 में इन्होंने क्या किया हुमायूं ने, ठीक है भाई तुम हमारे साथ दुश्मनी मोल लोगे, तुमसे तो हमने कुछ कहा ही नहीं था। हुमायूं डिफीटेड बहादुर शाह, ठीक है, हुमायूं ने बहादुर शाह को डिफीट कर दिया, ठीक है, फिर दोबारा से डिफीट कर दिया, सब शांत है। शेर खान अपने यहां पर चुनारगढ़ फोर्ट में ऐश कर रहे हैं क्योंकि ये वापस आ गए थे। 1533 में बहादुर शाह को भी डिफीट कर दिया। फिर बात आती है, फिर से इन्होंने हिम्मत जुटाई, भाई इनका 10 साल का शासन काल है, 1530 से 1540, आधे से ज्यादा जिंदगी युद्ध करते हुए इनकी खत्म हुई है। 1538 में क्या होता है, हुमायूं अगेन अटैक्ड ऑन चुनारगढ़ फोर्ट। अब शेर खान कह रहे हैं, शेरशाह सूरी कह रहे हैं कि यार ये इंसान तो मान ही नहीं रहा है, बार बार दिक्कत दे रहा है, एक काम करो पहले इसी को हटाओ यहां से। और 1538 में ऐसा हमला हुआ
कि हुमायूं का ये सेकंड अटैक था चुनारगढ़ फोर्ट पे, ठीक है, लिख लेंगे सेकंड अटैक ऑन चुनारगढ़ फोर्ट। इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला और फिर हुआ 1539 में होता है बैटल ऑफ चौसा। और इस बैटल ऑफ चौसा से हुमायूं की कहानी पूरी तरह बदल जाती है। कैसे कि बैटल ऑफ चौसा होता किसके बीच में है, एक साइड में है हमारे हुमायूं भैया और एक साइड में है फरीद जी, शेर खान जी, शेरशाह सूरी जी, तीनों तीन अलग अलग नाम नहीं है, ये तीनों एक ही नाम है। अभी तक शेर खान को शेरशाह नहीं बुलाया गया है, इसीलिए मैंने हर जगह शेर खान ही यूज किया है, ठीक है। बचपन में नाम फरीद था, महमूद लोधी ने इनका नाम शेर खान किया, क्यों किया वो स्टोरी बाद में देखेंगे, अभी तक ये शेरशाह सूरी नहीं बने हैं, ठीक है। शेर खान जी जीत जाते हैं, ठीक है, वॉन दिस बैटल, ये जीत गए हैं, ये हार गए हैं, इनका मुंह ऐसा हो गया है यार ये मैंने क्या कर दिया, इतने बैटल करने की मुझे जगह ही जरूरत ही क्या थी। और ये कह रहे हैं कि जो एक अटेम्प्ट में नहीं जीतता, दूसरे में नहीं जीतता, तीसरे में तो यूपीएससी निकाल ही लेता है, तो ये ऐसे थे खिले खिले चेहरे के। सो आफ्टर विनिंग, ठीक है, आफ्टर विनिंग ही टुक द टाइटल ऑफ शाह, शाह का टाइटल इन्होंने लिया, नाउ बिकेम शेर शाह। बात समझ में आई इतनी कि नहीं आई, नाउ बिकेम शेर शाह। और इन्होंने हुमायूं को इतना खदेड़ा कि एक स्टोरी है सुन लीजिए बस, कि हुमायूं को इतना खदेड़ा इन्होंने बैटल ऑफ चौसा में, अ बोटमैन सेव्ड हिज लाइफ। उसका नाम क्या था, नाम निजाम था, निजाम, इसका नाम था निजाम। और जब हुमायूं 1555 में दोबारा आता है शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद, तो इसने इस निजाम को प्रॉमिस किया था कि तूने मेरी जान बचाई है और जब मैं वापस से मुगल सल्तनत को भारत में हिंदुस्तान में स्थापित करूंगा, जब मैं वापस से बादशाह बनूंगा, तो मैं तुझे एक दिन का बादशाह बनाऊंगा मुगल सल्तनत के अंदर। तो यह मुगल सल्तनत के अंदर एक दिन का बादशाह बनाया गया 1555 में। और इस निजाम ने, था तो बोटमैन ही, अकल तो वैसी ही थी बेचारे की, इस निजाम ने चमड़े के कॉइन चलाए। पहले दिन ही होता है ना कि जैसे अभी एक दिन के सीएम जी थे अनिल कपूर जी, एक दिन में बहुत सारे काम कर दिए थे उन्होंने, ठीक है, अभी एक दिन की सीएम बनी थी हमारे यहां उत्तराखंड में। तो एक दिन के इन बादशाह ने क्या किए, चमड़े के, वन डे सुल्तान इनको बोला जाता है, वन डे सुल्तान, चमड़े के कॉइन चलवाए। चमड़े के कॉइन कौन चलवाता है बताओ, चमड़े के कॉइन। तो ये खैर, अब ये बैटल ऑफ चौसा से हुमायूं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, इनके अच्छे दिन अब 15 साल बाद आएंगे 1555 में। अभी अच्छे दिन किसके आए हैं, शेरशाह सूरी के। तो 1540 में, ठीक है, 1540 में एक और बैटल होता है, 1539 में ये बच जाते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाते हैं और क्या करते हैं भाई साहब, 1540 में फिर से भिड़ जाते हैं, किससे, हुमायूं वर्सेस शेरशाह। बंदे का गरेज देखो, बार बार भिड़ रहे हैं, हुमायूं वर्सेस क्या होता है, शेरशाह। पहले से ही इनके पास बहुत सारा नुकसान हो गया था, शेरशाह के अच्छे दिन आ गए थे, ये फिर से जीत जाते हैं, ये भाई साहब फिर से जीत जाते हैं और अपने हुमायूं जी क्या है, फिर से हार जाते हैं। ये बैटल कौन सा था, ये बैटल था बैटल ऑफ बिलग्राम, सुना होगा आपने, बैटल ऑफ बिलग्राम, या फिर क्या बोलते हैं इसको, कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज। और इस बैटल ऑफ कन्नौज में शेरशाह सूरी हुमायूं का पूरा पॉइंट ब्लैंक काम खत्म कर देते हैं, शेरशाह डिफीट करते हैं हुमायूं को। और उसके बाद बनाते हैं क्या,
फॉर्म करते हैं सूर्य डायनेस्टी, फॉर्म्ड सूरी डायनेस्टी। बात समझ में आ रही है इतनी कि नहीं आ रही है? ये सेकंड अफगान डायनेस्टी है, उससे पहली अफगान डायनेस्टी कौन सी है? तुगलक। कौन सी है? तुगलक है कि सैयद है कि लोधी है, बताइए जी। हेलो राम कुमार, हाय राधा। तुगलक है, सैयद है या लोधी है? पहली अफगान डायनेस्टी कौन सी है बताएंगे? होता क्या है, 1540 में ये, 1540 में ये हार गए हुमायूं। हम हुमायूं पे पहले अभी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। और जब ये हार गए तो 1541 में, इन 1541 हुमायूं गॉट मैरिड। ये चले जाते हैं छोड़कर दिल्ली सल्तनत और बोलते हैं कि यार शादी कर लो, शायद बीवी हमारी अकल ठिकाने लगा दे, हमको बहुत भूत चढ़ा है युद्ध करने का। हुमायूं गॉट मैरिड विद हामिदा, हामिदा बानो बेगम। तो बीवी आके इनको संभालेंगी। और आफ्टर हुमायूं वेंट किंग विरासत ऑफ अमरकोट, शादी के बाद क्या करते हैं, अमरकोट के राजा के पास जाते हैं राजस्थान में, ठीक है। आफ्टर दैट हुमायूं वेंट टू अमरकोट, और इस अमरकोट में होता है जन्म हिंदुस्तान के भावी सुल्तान का, बादशाह का। ये अमरकोट में वेंट टू रूलर ऑफ, रूलर ऑफ अमरकोट, ये हिंदू राजा होते हैं। तुगलक डायनेस्टी थी, बिल्कुल सही, राजस्थान के अमरकोट में हिंदू राजा होते हैं। और यहीं पर अगली ही साल 1542 में क्या होता है, अकबर का जन्म होता है, अकबर्स बर्थ इन अमरकोट। अब देखो जो चेन ऑफ इवेंट चली आ रही है ना, बहुत इजी तरीके से आप याद कर सकते हो। हुमायूं के टाइम, हुमायूं के लिए बहुत इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि दिसंबर 1530 में बाबर की डेथ हुई, बाबर की डेथ हुई, अगले ही साल क्या हो गया, बैटल ऑफ दोहरिया हो गया। पहले तीन मैंने आपको बताए थे, तीनों मैंने आपको सीक्वेंस में बताए थे, ठीक है। सीक्वेंस में मतलब कि पहला युद्ध होगा महमूद लोधी से, दूसरा होगा शेर खान के चुनारगढ़ में हमला करेंगे, चुनारगढ़ में हमला करेंगे तो बहादुर शाह आगरा में फौज भेज देंगे। तो ये सीक्वेंस में महमूद लोधी मर जाते हैं, फिर ये बहादुर शाह को क्या कर देते हैं, ये परास्त कर देते हैं। बचा कौन? शेर खान। बहादुर शाह को परास्त करने के बाद में फिर ये वापस से कहां जाते हैं, फिर से चुनारगढ़ फोर्ट पे हमला करते हैं। तो 1531 1532, फिर 1533, फिर 1533 के बाद फिर 5 साल का गैप लेते हैं, बोलते हैं यार वैसे ही मेरी किस्मत आगे जो लिखी हुई है, मुझे पता है कि मेरे को शासन मिलने वाला तो है नहीं, ढंग से एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलेगा, बहुत वनवास लिखा है मेरी जिंदगी में, तो 5 साल ऐस कर लो। एक पंचवर्षीय योजना जो है ये अपने यहां पर बिताते हैं। फिर 1538 से फिर से युद्ध शुरू करते हैं, चुनारगढ़ फोर्ट पे करते हैं, फिर कोई रिजल्ट नहीं निकलता। फिर 39 में फिर से बैटल ऑफ चौसा होता है, बाबर सॉरी आपका हुमायूं के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, बैटल ऑफ चौसा में हारते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ चौसा में हारने के बाद इनको एक नाविक जो है निजाम नाम का, वो बचा लेता है। फिर अगली साल हिम्मत जोड़ के फिर से जाते हैं, तो एक एक साल का, बीच में सिर्फ 5 साल का गैप आया है, एक 1533 से 1538 तक के बीच का। 1540 में फिर से क्या है, हुमायूं जो है शेरखान से भिड़ जाते हैं, हार जाते हैं। 1541 में फाइनली शादी कर लेते हैं, शादी करके अगली साल बच्चा हो जाता है 1542 में, ठीक है। अकबर का जन्म होता है, अकबर का एक्चुअली में नाम क्या था, बदरुद्दीन। अकबर का एक्चुअल में नाम क्या था, बदरुद्दीन। और हुमायूं यहां से जब अकबर का जन्म होता है तो वहां से फिर जाते हैं मिलने किसके साथ, क्योंकि उस टाइम पर आपकी सिख धर्म की शुरुआत हो गई थी बाबर के टाइम से ही। तो हुमायूं किससे मिलने जाते हैं, हुमायूं वेंट टू मीट गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव।
अंगद देव जी से मिलने जाते हैं, जो कि हाँ, कौन थे? सेकंड गुरु ऑफ सिख थे, सेकंड गुरु ऑफ सिख धर्म के दूसरे गुरु। अकबर को शायद जलालुद्दीन भी कहते हैं, बिल्कुल जी कह लेते हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। सो ये अंगद देव जी ने ही गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखी थी, इसके बारे में जब हम सिख धर्म की चर्चा करेंगे तब ज्यादा बात करेंगे। 1545 में क्या होता है, इन 1545, अब ये कहां थे, 1542 के बाद हम बात कर रहे हैं 1545 की। इन्होंने अपने भाइयों से सपोर्ट मांगी थी, आपको याद हो, तो अभी इनके भाई तीन ऐश कर रहे हैं, एक संबल में, एक कहां ऐश कर रहा है, कांधार में, और एक कहां ऐश कर रहा है भाई, अलवर में। तीन भाई थे इनके, इनकी कहानी जब शुरू हुई थी इन्होंने मार दिया था, इन्होंने अपने भाइयों से हेल्प मांगी कि भैया जी ऐसा है कि मैं तो शासक था ही, मैंने तुम सब में शासन बांट दिया, तुम सबके यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, मेरी दिल्ली सल्तनत मेरे से छिन गई है, आकर मेरी हेल्प करो। हेल्प करते हैं, करने के लिए मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं, तो इनका जो भाई था ना कामरान, काबुल और कंधार वाला, वो उनसे इनकी छिड़ जाती है, मतलब उनसे इनकी लड़ाई हो जाती है। सो 1545 में ही किल्ड हिज ब्रदर कामरान, भाई को ही मार देते हैं। He killed his brother Kamran and conquered. क्यों भाई, अब शासन करने के लिए कहीं तो आपको जगह चाहिए, ठीक है, तो यहाँ शेर शाह सूरी हैं, उनके साथ तो तुम्हारी दाल पक नहीं रही है, ठीक है, वो तो हारने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो क्या करना है, कहीं तो शासन करना है, अब तो बच्चे बीबी बच्चे वाले हो गए, तो कंकर्ड करते हैं किसको, काबुल एंड कंधार को, काबुल एंड कंधार को हथिया लेते हैं भाई की मृत्यु के बाद। फिर उसके बाद में यहां पर ये मिलते हैं एक इंसान से जो इनका बनता है बहुत ही ज्यादा वफादार, ही मैट बैरम खान, बैरम भी बोलते हैं इनको, बहरम भी बोलते हैं, ही मैट बहरम खान एंड बिकेम हिम एज अपॉइंटेड हिम कमांडर, ठीक है, कप्तान नियुक्त कर देते हैं, सेनापति नियुक्त कर देते हैं। बैरम खान हेल्प करते हैं इनकी, ठीक है, बैरम खान इनकी हेल्प करते हैं टू रीगेन हिज राइन, शासन को दोबारा प्राप्त करने में इन 1556, कब, जब शेरशाह सूरी मर जाएगा तब। तो ये तो बाद में हेल्प करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया है, इसको साइड में ही रहने देना। ये 1545 में इन्होंने काबुल कंधार में हमला कर दिया, भाई को मार दिया, बैरम खान से मिल गए। 1554 में कॉन्कर करते हैं किसको, कॉन्कर्ड पेशावर, अब ये अफगानिस्तान से वापस इंडिया की साइड आ रहे हैं। पेशावर हिंदुस्तान का पार्ट था पहले, हिंदुस्तान से अफगानिस्तान गए थे, वहां से कॉन्कर किया काबुल कंधार को, फिर से इंडिया की साइड आ रहे। 1554 में कॉन्कर करते हैं पेशावर को, और 1555 में कॉन्कर करते हैं किसको, लाहौर को, ठीक है, और इंडिया की साइड आते जा रहे हैं। पता चलता है कि 1556 में अपनी ही तोप के गोले की चलने की वजह से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, और फिर 1556 में हुमायूं इस चीज का मौका पाकर बैरम खान की हेल्प से दिल्ली पे कब्जा कर लेता है, वापस स्थापित करते हैं क्या, मुगलिया सल्तनत इन हिंदुस्तान। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और 1555 में जो इनका लाहौर पे कॉन्कर करने का ये जो कार्यक्रम होता है, इस बैटल का एक नाम है, क्या नाम है, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, ठीक है, ये वाला लाहौर जहां पर जीतते हैं ये। और ये किस किस के बीच में होता है भाई ये वाला बैटल, हुमायूं तो हैं ही हमारे एक साइड, अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि अकबर के बीच में होता है, ठीक है, या कोई ये तो नहीं कहेगा कि इल्तुतमिश के बीच में होता है, हुमायूं वर्सेस नसीर खान कौन थे, ये सूबेदार थे पंजाब के, लाहौर पहले पंजाब का पार्ट था, He was the सूबेदार of पंजाब प्रोविंस,
जैसे कि बिहार जो है बंगाल का पार्ट था, वैसे ही लाहौर क्या है सिंध प्रांत पंजाब का पार्ट था। क्लियर नहीं है क्या? क्लियर नहीं है क्या? क्लियर नहीं है? अकबर को शायद जला दूं। हिमांशु क्या क्लियर नहीं है बताइए जरा, पूरी बात लिखा करो। ठीक है, सो बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा में ये नसीर खान को हरा के लाहौर पे कब्जा कर लेते हैं और 1556 में इनको पता चलता है कि भैया शेरशाह सूरी जी मर गए हैं 1555 में। कैसे मर गए हैं? अपनी ही तोप के गोले से मर गए। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ये दिल्ली चूक करते हैं, चलो दिल्ली। और चलो दिल्ली में क्या होता है, चलो दिल्ली में क्या होता है भाई, कि ये तो है आपके शेरशाह सूरी। अब एक स्लाइड मेरे को बीच में लगानी पड़ेगी। यहां पर समझ लो कि जब शेरशाह सूरी मर जाता है तो उसकी गद्दी पे बैठता कौन है? सिकंदर सूरी बैठता है। ठीक है, सिकंदर सूरी बैठता है शेरशाह सूरी की गद्दी पे। अब इन्होंने दो बैटल जीत लिए थे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया था, साथ में बैरम खान तो थे ही, इसलिए इनकी किस्मत के सितारे फिर से चमकने लगे थे। 1556 में इनका युद्ध होता है। दिल्ली ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाएगी, दिल्ली जाकर थोड़ी ना मिलती है, दिल्ली जाकर तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सिकंदर सूरी के साथ में इनका हमला होता है, बैटल ऑफ सरहिंद। ठीक है, बैटल ऑफ मैम इज नॉट सीन रिटन। अगर फोन पे देख रहे हो तो स्क्रीन को वाइड कर लो, किसी और को दिक्कत है क्या? मुझे तो बिल्कुल साफ दिख रहा है मेरे फोन में। बैटल ऑफ सरहिंद होता है और बैटल ऑफ सरहिंद में ये सिकंदर सूरी को हराते हैं, हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूरी। ठीक है, बात तो सुनने में समझ में आ रही है ना, जो मैं बोल रहे हैं वो तो समझ में आ रही है ना, ये सब मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लो। तो सिकंदर सूरी को हरा देते हैं और फिर ये दिल्ली पर शासन करने लग जाते हैं। इनकी कहानी कैसे खत्म होती है, एक बॉक्स बना के लिख देते हैं। 1556 में ये बनते हैं फिर से, इनका सेकंड राइन शुरू होता है, दोबारा इनका शासन शुरू होता है। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए हुमायूं का कि 1557 में अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। निशा कह रही है साफ साफ दिख रहा है, राधा भी कह रही है साफ दिख रहा है, अपनी ही लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिरकर डेथ बाय फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स ऑफ लाइब्रेरी, इन कहां दिल्ली में। इनकी एक लाइब्रेरी का नाम है, नाम बताएंगे इनकी लाइब्रेरी का, किस लाइब्रेरी से गिरकर इनकी डेथ होती है, कुछ कुछ चीजें इनके बारे में लिख लीजिए। लाइब्रेरी का नाम क्या था? शेर मंडल। ठीक है, शेर मंडल लाइब्रेरी का नाम था क्योंकि शेरशाह सूरी उस टाइम पर गद्दी पर थे, तो उन्होंने शेर मंडल नाम की एक लाइब्रेरी बनवाई थी, लिख लीजिएगा। ठीक है, दिल्ली में शेर मंडल लाइब्रेरी से गिरकर ये मर गए थे। और इन्होंने अपने जब दिल्ली में ये दोबारा ही बार शासन करने पहुंचे तो होता है ना कि पहली बार का घर हमको सूट नहीं किया, तो अब हम क्या करेंगे, जब घर बनाएंगे तो पूरा वास्तु शास्त्र के साथ बनाएंगे। तो इन्होंने दिल्ली में ही दूसरी जगह जाकर अपनी गद्दी स्थापित करी थी, जिस जगह का नाम था दीन पनाह, दीनों को पनाह देने वाला। ठीक है, दीन पनाह, और दीन पनाह में ही लाइब्रेरी थी शेर मंडल, वहां से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। मैं एंड जिस खानदान से बिलोंग करता हूं, अच्छा मैं जिस खानदान से बिलोंग करता हूं उसको सूर खानदान बोलते हैं, पर ये सूर कौन सा सूर है इसकी हकीकत नहीं पता। बंगाल में हो ना तुम शाहिद, तो ये वही है, सूरी डायनेस्टी ही हो सकता है। ठीक है, बाकी मुझे नहीं पता क्योंकि आप बंगाल से बिलोंग करते हो, सिकंदर सूरी बंगाल मतलब शेरशाह सूरी बंगाल से बिलोंग करते थे, काफी टाइम तक बंगाल में थे, तो अफगान मुस्लिम थे वो। ठीक है, हाँ, तो इनका टॉम किसने बनवाया भाई? इनका टॉम बनवाया इनकी वाइफ ने, इनकी वाइफ का नाम था हाजी बेगम, हाजी बेगम नाम की वाइफ ने इनका टॉम बनवाया। अब ये हाजी बेगम जो है वो हामिदा बानो बेगम से अलग है, हामिदा बानो बेगम इनके बेटे अकबर की माँ थी, हाजी बेगम इनकी एक अलग से वाइफ थी। ठीक है, तो उन्होंने इनका टॉम बनवाया है, कहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया था, उसको कंप्लीट किसने करवाया बाद में? अकबर ने कंप्लीट करवाया। और ऐसा कहा जाता है कि इनका जो टॉम जिस तरीके से बना हुआ है दिल्ली में, आप जाएंगे तो देखेंगे, मैंने देखा है
लेकिन बाहर से ही देखा है। इनका जो टॉम्ब है वो प्रोटोटाइप माना जाता है किसका, ताजमहल का, ठीक है, ताजमहल का प्रोटोटाइप। क्योंकि अगर आप हुमायूं के टॉम्ब को देख लो, आप ताजमहल को देख लो, ऐसा ही लगेगा कि जैसे आपने मिनिएचर रख दिया दिल्ली में ताजमहल का, ठीक है। तो हुमायूं नामा लिखा है, ये सारी चीजें नोट कर लेंगे, ये पूछी जा सकती है कि इनका टॉम्ब किसने बनवाया, ठीक है। प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल क्या है, हो सकता है ना पूछ ले आपसे। लिखेंगे कि गुल बदन बेगम कौन थी, हुमायूं की हाफ सिस्टर, सौतेली बहन, ठीक है, बाबर की दूसरी वाइफ की बेटी। उन्होंने लिखा है हुमायूं नामा, और हुमायूं को मिला था एक टाइटल, दैट इज इंसान ए काबिल, इंसानों के काबिल। और इंसान ए काबिल का मतलब क्या है, परफेक्ट मैन वो नहीं होता जो मुश्किलों का सामना करने से चूक जाए, परफेक्ट मैन वो होता है जो अपनी विषम परिस्थितियों में भी मुश्किलों का सामना करे और एक बार गिरने के बाद वापस से उठने की कोशिश करे, जो कि हुमायूं ने करी, ठीक है। तो इंसान ए काबिल बोलते हैं परफेक्ट मैन। तो यहां पर खत्म होता है हुमायूं का पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखिए शेरशाह सूरी जी के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी देर बची है हमारे पास, टाइम ज्यादा है नहीं, तो अकबर को हम कल से शुरू करेंगे। शेरशाह सूरी, द लॉयन किंग ऑफ इंडिया, बचपन का नाम है फरीद, बचपन का नाम क्या है, फरीद खान, बर्थ नेम। 1486 में इनका जन्म हुआ था, 1486, ये वो टाइम है जब बाबर इंडिया आ चुके थे, ठीक है, जब बाबर जो है धीरे धीरे कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे इंडिया पे, उस टाइम पर इनका जन्म हुआ था। और जब बाबर यहां पर सुल्तान बने तो उस टाइम पर ये बाबर की सेना में सर्व करते थे, बाबर को, अफगानी थे ये, अफगानी। तो इनकी स्टोरी सुन लेंगे, इनके बारे में मैंने काफी सारी चीजें मैंने आपको बताने वाले हूं। तो बहुत ही पायस मुस्लिम इनको बोला जाता है, पवित्र मुस्लिम। और इनके बारे में कभी भी ऐसा नहीं मैंने सुना या हिस्ट्री में कभी नहीं पढ़ा कि इन्होंने बहुत ज्यादा ब्लड शेड किया हो। इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि हिंदुस्तान से मुगलों को बाहर करना है, हिंदुस्तान में तुगलक जो अफगानी शासन था उसको वापस से एक अफगानी शासन में तब्दील करना है, मुगलों से खाली करवाना है, ठीक है। इनका टॉलरेंट एटीट्यूड था, टॉलरेंट, फालतू में किसी से पंगा नहीं लेना अपने को पहले से। आप देखेंगे कि इन्होंने कभी भी खुद से जाकर बैटल नहीं किए, हुमायूं ने खुद इन पर बैटल किया हमेशा। और टॉलरेंट एटीट्यूड किसके टुवर्ड्स, टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स, आज की तरह नहीं हम लोगों की तरह के इनटॉलरेंट हो। होशियारपुर पंजाब में इनका जन्म हुआ था, होशियारपुर पंजाब में, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें हैं, लिखते जाएंगे साथ के साथ। बचपन का नाम फरीद, फादर का नाम था इनके हसन खान, हसन खान सूर, पिताजी का नाम था हसन खान सूर, माताजी का नाम था, बताएंगे एक्चुअल में इनकी मदर का नाम किसी को पता नहीं है, ठीक है, मतलब कि हिस्ट्री में उसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। इनकी वाइफ का नाम था रानी शाह, इनके दो बच्चे थे इस्लाम शाह सूरी और आदिल खान, इनके एक सिबलिंग थे निजाम खान। निजाम खान याद हो तो हुमायूं से भी एक बार इनकी लड़ाई हुई है, ये निजाम खान वो हैं जो कि लाहौर, लाहौर के कौन थे, सूबेदार थे पंजाब प्रोविंस के। अभी लास्ट में जो इनका युद्ध हुआ था 1555 में, बैटल ऑफ, कौन सा बैटल था भाई, बैटल ऑफ, बताएंगे कौन सा था, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, ठीक है, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा में हुमायूं की लड़ाई हुई थी निजाम खान से, ठीक है। इनका भाई था ये शेरशाह सूरी का, सूबेदार ऑफ पंजाब प्रोविंस। अब इनके बचपन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जब इनकी एजुकेशन खत्म हुई तो सुनिएगा, तो फरीद कौन बना, फरीद बने, फरीद जी जो हैं, फरीद बिकेम बॉडीगार्ड ऑफ बहार खान लोहानी। अब ये बहार खान लोहानी कौन है भाई, ये बहार खान लोहानी कौन है,
किसी को पता है? बहार खान लोहानी बिहार के रूलर थे, रूलर ऑफ बिहार। आपको मैंने बताया था रूलर ऑफ बिहार थे ये, क्योंकि शेरशाह सूरी बिहार में ही रहते थे। अब ये बॉडीगार्ड कैसे बने कि एक बार ऐसा बताते हैं कि शिकार करते टाइम बहार खान लोहानी जो हैं उनके सामने शेर आ गया। अब ये जो बच्चा था फरीद, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करके एक युवा था ये, और इसने क्या है इस शेर को मारकर बहार खान लोहानी रूलर ऑफ बिहार की जान बचाई थी। और इन्होंने ही इस फरीद का नाम चेंज करके क्या कर दिया, फरीद खान से क्या कर दिया, शेर खान कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? खान कैसे नाम चेंज हुआ, शेर खान, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है द लॉयन किंग ऑफ इंडिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर तो आपको पता है शेर खान से शेरशाह कैसे हुए थे, हुमायूं को हराकर, ठीक है। अब हुआ क्या, टाइटल ऑफ मिल गया किसका, शेर खान का, बिकॉज ही किल्ड अ लायन एंड सेव द बहार खान लोहानीज लाइफ। आफ्टर द डेथ ऑफ बहार खान, ये इतने मतलब बेहतरीन वो थे, बॉडीगार्ड हो गए थे, इतने ज्यादा मतलब एकदम राइट हैंड हो गए थे कि आफ्टर द डेथ ऑफ बहार खान, ठीक है, शेर खान बने रूलर ऑफ बिहार, रूलर ऑफ बिहार बने आफ्टर द डेथ ऑफ, आफ्टर द डेथ ऑफ बहार खान लोहानी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? और इन्होंने स्थापना करी किसकी, मतलब चाहते थे क्या कि ही वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश द सूरी एम्पायर, ठीक है। शेर हसन खान सूर इनके फादर का नाम था, जैसे कि सूर खानदान से, शाहिद ने भी बताया कि वो सूर खानदान से बिलोंग करते हैं, ये भी सूर खानदान से बिलोंग करते थे, तो ये चाहते थे कि सूरी डायनेस्टी ये बनाए। तो बिहार में तो सूरी डायनेस्टी की स्थापना हो गई थी, लेकिन ये चाहते थे कि पूरे भारत में, उस टाइम पर कौन था भाई, बाबर इंडिया में सेटल हो चुके थे, कि मुगलों को हटाकर पूरे हिंदुस्तान में क्या करना है, सूरी डायनेस्टी की स्थापना करनी है, ठीक है। तो ही इज नोन एज द बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर क्यों बोलते हैं, बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर क्योंकि जितना काम इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आपको याद होगा ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जिसको आज आप आज भी बोलते हो, वो शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी, ठीक है। पूरे देश में, पूरे भारत देश में, इवन वो बंगाल में भी जाती है आपका, ये बांग्लादेश में भी जाती है, तो इसीलिए उनको क्या बोला गया है, बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। अब होता क्या है कि ही बिल्ड अ रोड नेम शेर शाह सूरी मार्ग। कहां से कहां तक कोई बताएगा, शेर शाह सूरी मार्ग कहां से कहां तक, फ्रॉम सोनारगम बंगाल से लेकर, अब ये जो जगह है ये आज के देश में बांग्लादेश में आती है, आज की डेट में बांग्लादेश में आती है, टू पेशावर, और जो पेशावर है ये दोनों एंडिंग पॉइंट जो है अब इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान में आते हैं। ये क्या है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, और ये क्या है, प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, ठीक है। तो बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक इंडिया भी पूरा उसमें कवर हो गया। जीटी रोड आज इसको बोलते हैं, करंट की डेट में क्या बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड आज की डेट में इसको बोलते हैं। अब ये इंडिया में कहां से कहां तक सीमित रह गई है, क्योंकि आधा हिस्सा पेशावर पाकिस्तान में चला गया, आधा सोनारगाम बांग्लादेश में चला गया, ठीक है। पहले तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान थे। इंडिया में कहां से कहां तक है ये, अमृतसर टू कोलकाता। भाई सिंपल सी बात है, पेशावर के बाद में क्या लगता है, अमृतसर लगता है। इंडिया में एक साइड का बॉर्डर इधर है, दूसरी साइड का बॉर्डर कहां जाएगा, बांग्लादेश के पास क्या है, कोलकाता है, तो अमृतसर टू कोलकाता। इन्होंने 1700 सराय बनवाई हैं, ठीक है, इंस जिसको बोलते हैं, इंस इंडिया के अंदर। सिल्वर कॉइन चलाए जिसको आज की डेट में हम रुपया बोलते हैं, रुपया। कॉपर कॉइन चलाए, इन्होंने उसका नाम रुपया ही दिया था, कॉपर कॉइन चलाए जिसको हम बोलते हैं दाम। तो देखो
आज की डेट में दाम वर्ड भी आप यूज करते हो, रुपया वर्ड भी आप यूज करते हो, और ये सब कहां से आया है? ये सब हमारी हिस्ट्री की देन है हमको, ठीक है? ये कहीं किसी किताब से, किसी शास्त्र से नहीं निकला है, ये हमारी हिस्ट्री ने हमें दिया है। कितने दाम का है? तो ये जो दाम है वो आज भी हमारी हिस्ट्री का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर है। 1544 में, ठीक है, अब 1500 आप देखिए, 1529 में इन्होंने क्या किया था, 1529 में इन्होंने डिफीट किया था किसको? डिफीटेड नुसरत शाह। इनका अलग ही, पहले अलग ही कॉन्क्वेस्ट चल रहा था, नुसरत शाह को डिफीट किया था। कौन थे ये? कौन थे? नुसरत शाह ऑफ बंगाल, बंगाल के एक शासक थे, ठीक है। और इनको फिर वहां से क्या टाइटल मिला है अपने शेर शाह सूरी को, SSS को क्या टाइटल मिला है? हजरत ए आला, हजरत ए आला का टाइटल इनको वहां पर मिला था। फिर 1544 में, 1544 में इन्होंने क्रश किया किसको? दबा दिया, कुचल दिया किसको? राजपूत फोर्सेस को, राजपूत फोर्सेस ऑफ मारवाड़, ठीक है, प्रेजेंट रेट जोधपुर, ठीक है। कहां पर? एट सामेल। सामेल कहां पर है भाई? नियर अजमेर। तो अजमेर से आगे क्या चल आता है? जोधपुर आता है, ठीक है। और इन्होंने जो ये सराय बनवाई थी, इन्होंने ये जो सराय बनवाई थी, ये इतनी सही टेक्निक थी इनकी कि इन्होंने हर 2 किलोमीटर में एक सराय, तो कहने का मतलब है 1700 सराय अगर बनवाई तो कितने किलोमीटर कवर किए? 3400 किलोमीटर में 1700 सराय इन्होंने बनवाई थी, ठीक है, हर 2 किलोमीटर में एक सराय, ताकि जो ट्रेडर्स हैं वो आराम कर सके, रुक सके, ये सारी चीजें कर सके। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरीशस, इंडोनेशिया, मालदीव्स और सीजल्स, सब जगह क्या चला? रुपया एज अ करेंसी चलता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे इंडियन रुपया है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया है, श्रीलंका में श्रीलंकन रुपया है, मॉरीशस में मॉरीशस रुपया है, इंडोनेशिया में इंडोनेशियन रुपया है, मालदीव में मालदीवियन रुपया है, सब जगह क्या चलता है? यही रुपया वर्ड जो है चलता है टू डिनोट द करेंसी। इन्होंने क्या और शुरू कराया? ही स्टार्टेड द पोस्टल सर्विसेज, ठीक है, पत्राचार की व्यवस्था इन्होंने ही शुरू करवाई, पत्राचार, डाकिया, डाक लाया इन्होंने। अलाउद्दीन खिलजी का जो हुलिया और दाग सिस्टम था, आपको याद है हुलिया और दाग सिस्टम किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, कि जितने भी सिपाही हैं सबका क्या बनाया जाएगा, एक आइडेंटिफिकेशन पेपर पर उनका क्या है? हुलिया बनाया जाएगा, और जितने भी घोड़े हैं उन पर नंबरिंग के हिसाब से दाग मारे जाएंगे, स्टैंप किया जाएगा। तो हुलिया और दाग सिस्टम को इन्होंने क्या किया? एडॉप्ट किया। किससे? अलाउद्दीन खिलजी की जो लेगेसी थी वहां से। इन्होंने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर, पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया? पटना कर दिया, ठीक है। इनके टाइम में मलिक मोहम्मद जायसी ने ही लिखा था क्या? पद्मावत। तो जो पद्मावत है, जो हुआ कब, किस टाइम पर? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, राजा रावल रतन सिंह के टाइम पर, रानी पद्मिनी के टाइम पर। उसको लिखा कब गया? ड्यूरिंग द एरा ऑफ शेर शाह सूरी, ठीक है। किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी। और ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप पढ़िएगा कभी जीवन में, जब आपको लगे कि आपको पढ़ना चाहिए। और अगर आप नहीं पढ़ सकते, कुमार विश्वास जी की एक वीडियो है इसी पद्मावत के ऊपर, मलिक मोहम्मद जायसी के ऊपर, वो आप सुनिएगा, यूट्यूब पे पड़ी हुई है शायद। सो इन 1545, इससे एक्चुअली आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, इसीलिए मैंने आपको कहा है, ठीक है। हम यहां पर किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे। 1545 में ड्यूरिंग कालिंजर मिशन, कालिंजर मिशन पर ये गए थे, और कालिंजर मिशन पे ये जब गए तो ही डाइड। क्यों? क्योंकि मिशन के टाइम में क्या हुआ, जब ये अपनी कैनन्स को क्या कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, ही डाइड ड्यूरिंग दी ट्रायल ऑफ कैनन्स। इनकी ही तोप का गोला जो है वो
घूम गया और इन्हीं के सामने आके टकरा गया। तोप के गोले से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, कैनन वेपन से इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो टॉम्ब है वो कहाँ पर है, क्योंकि बिहार से इनकी जर्नी शुरू होती है पूरी, तो सासाराम बिहार में इनका टॉम्ब है। सासाराम कहाँ है, बिहार में, सासाराम बिहार में इनका टॉम्ब है, जहां से जर्नी शुरू हुई वहीं पर जाकर दफन हो गए। इनको तीन रूलर्स ने सक्सीड किया है, सक्सीडेड बाई थ्री रूलर्स, ठीक है, क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद में 1555 में मृत्यु होती है इनकी, ठीक है, 1555 होगा ये, 1555, ठीक है, 1555 में इनकी मृत्यु होती है और 1556 में आता है हुमायूं वापस। तो उतने टाइम में तीन रूलर्स जो हैं इनको सक्सीड करते हैं। कैसे कैसे सक्सीड करते हैं, पहले का नाम है क्या, इस्लाम शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी 1500, एक सेकंड रुक जाइए जरा, हाँ 1545 में डेथ होती है इनकी, सॉरी 1545 में इनकी डेथ होती है कालिंजर मिशन पर, ठीक है, कंफ्यूजन था, 1545 में, सो 1545 से लेकर 1556 तक, ठीक है, 1556 तक तीन रूलर बदल जाते हैं। कौन कौन से, पहले हैं इस्लाम शाह सूरी, ठीक है, ये 1553 में बैठते हैं गद्दी पर, ठीक है, ये कौन थे, सन थे, बेटे थे किसके, SSS, सुशांत सिंह राज, SSR नहीं है ये, शेर शाह सूरी है। उसके बाद में आदिल शाह सूरी, ठीक है, आदिल शाह सूरी ये एक इनकॉम्पिटिटिव शासक था, ठीक है, ये किससे शासन करवाता था, अपने दीवान से, दीवान का नाम क्या था, हेमचंद उर्फ हेमू। उसके बाद तीसरा बैठता है सिकंदर सूरी, और यह सिकंदर सूरी वही है जिसको हराकर वापस से हुमायूं कहां आ जाता है, दिल्ली की गद्दी पे, ठीक है, हुमायूं दिल्ली की गद्दी पे आ जाता है। कौन सा बैटल होता है, ये बैटल ऑफ सरहिंद, बैटल ऑफ सरहिंद। तो ये आपको पता चल गया कि शेरशाह सूरी के टाइम में क्या हुआ, उसके बाद में फिर से हुमायूं आ गया, आपको पता चल गया हुमायूं के आने के बाद क्या हुआ। हुमायूं और शेरशाह सूरी की जब भी आप स्टोरी पढ़ते हैं या इतिहास में जब भी पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं, पहले आप हुमायूं पढ़ते हैं, फिर बीच में आप शेरशाह सूरी पढ़ते हैं, फिर बाद में आप हुमायूं पढ़ते हैं, ठीक है। तो हुमायूं वापस से आया, 11 महीने बैठा, वो सब कहानी मैंने आपको बता दी है। यहां पर आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। ये बहुत ही ब्लडी, ये तीन साल मतलब जो है, ये सॉरी, ये जो 1545 से लेकर 1556 तक का जो टाइम था, ये टाइम पीरियड बहुत ही ब्लडी बैटल्स का टाइम पीरियड होता है, बहुत ही रक्त संहार होता है यहाँ पर। क्योंकि आप ये देखो ना कि 10 साल में तीन लोगों का बदल जाना, ठीक है, कोई इजी बात नहीं है, बैटल्स होंगे तभी लोग बदलेंगे। और फिर उसके बाद में 1556 में चौथा बैटल होता है, हुमायूं आ जाता है, तो ये 9-10 साल में क्या है, 4 बैटल्स हो जाते हैं। नेट रिजल्ट क्या निकलता है, इन तीन बैटल्स का नेट रिजल्ट ये निकलता है कि कुछ नहीं कर पाए ये लोग। फिर 1556 में खुद हुमायूं बोलता है कि तुमसे ना हो पाएगा, हम ही आते हैं, ठीक है। अब अकबर की बात कल शुरू करेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं जो मैंने आपको पूरी बताई हैं कि क्या क्या हुआ था। इन्होंने दीवाने विजारत शुरू किया था, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, पत्राचार जो मैंने आपको बताया, दीवाने रसालत, फॉरेन अफेयर्स। तो इसीलिए शेरशाह सूरी को बोला जाता है द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 47 डिविजन्स में इन्होंने बांट दिया था एम्पायर को, जिसको बोलते थे सरकार, जिसको आप स्टेट बोलते हो, राज्य सरकार, ठीक है। सरकार को क्या बांटा था, छोटे छोटे परगना में बांटा था, छोटे छोटे और पार्ट्स किए थे इन्होंने ही। लैंड रेवेन्यू सिस्टम को क्या किया था, एडॉप्ट किया था, ठीक है। जब्ती है हर साल, मतलब कि जब्ती है हर साल का मतलब क्या है, हर साल क्या होगा, लैंड का असेसमेंट होगा। इन्होंने लैंड को तीन हेड्स में, मतलब कि तीन तरीके की व्यवस्था में बांटा, गुड लैंड, मिडिल लैंड और बैड लैंड, ठीक है। जहां पर 1/3 होता है प्रोड्यूस, वो होती है बैड लैंड, गुड लैंड वो होती है जिसमें कि मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है, मिडिल लैंड वो होती है जिसमें कि 50% प्रोडक्शन होता है। ये सारी चीजें हैं। सिकंदरी गज, सिकंदरी गज का क्या मतलब है, 32 पॉइंट्स में एक गज होता है। टोटल बल इनके यहाँ पर एक वो थे,
जिसको बोलते हैं ना कैबिनेट मिनिस्टर टाइप, ठीक है, मंत्री थे जिन्होंने क्या किया था, रेवेन्यू पॉलिसी को डेवलपमेंट किया था, ये सारी चीजें हैं। पट्टा का सिस्टम इन्होंने ही शुरू किया, पट्टा, ठीक है, ये पढ़ लेंगे आप, सब कुछ मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। दाग और चेहरा, दाग और हुलिया सिस्टम, ये रहा, बता दिया मैंने आपको। सिल्वर का रुपया, कॉपर का दाम इन्होंने ही शुरू किया था, 1 रुपए में 64 दाम होते थे। एक सिल्वर का रुपया लेके जाओगे, 64 कॉपर के सिक्के ले आओगे, ठीक है। सड़क ए आजम इनको बोला जाता है। सड़क ए आजम क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने पेशावर से लेकर बांग्लादेश, ठीक है, सोनारगाम तक लेकर क्या बनाई थी, सड़क बनाई थी, जिसको आज हम सोनारगढ़ टू सिंध, सिंध कहाँ आता है, पेशावर जो है सिंध प्रोविंस में आता है। ये अलग अलग इनके जीटी रोड हैं, ये आपस में कनेक्ट होते हैं, पूरे देश में चारों जो हैं कनेक्ट हो जाते हैं। ये सब आपका है, खत्म हो गया है टॉपिक, कल शुरू करेंगे द ग्रेट अकबर, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। 8:30 बजे मेरी क्लास है, टू बी कंटिन्यूड। यहां से आगे जितना हमने पढ़ लिया है उससे आगे कल शुरू करेंगे। अकबर जो है अब बड़े हो रहे हैं, बच्चे हैं लेकिन धीरे धीरे बड़े होंगे, ठीक है। तो आज क्या है, आज वो हुमायूं की मृत्यु पर शोक कर रहे हैं। कल अकबर आज जब आएंगे तो आपकी मुलाकात होगी हिंदुस्तान के नए शहंशाह आजम से, जिनका नाम है अकबर दी ग्रेट, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जो तो जितने भी लोग नए हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और क्लास का जो अब टाइम हो गया है वो हो गया है 7 PM to 8 PM, तो जिन्होंने भी नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करी हुई है वो कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं 8:30 से 8:30।